वेलकम टू मॉम्स किचन। आज हम लोग बनाएंगे गुड़ के बने हुए नारियल लड्डू, गुड़ेर नारकेलेर नाड़ू। चलिए बनाना शुरू करेंगे एक बहुत ही सुंदर सी रेसिपी जो कोई भी त्यौहार पे हमारे इंडिया में बनता ज़रूर है। चलिए बनाना शुरू। सबसे पहले इसके लिए आप नारियल को अच्छा सा कूट के तैयार कर लें। देखिए इस तरह से मैंने कीस के नारियल तैयार किया हुआ है। अब एक कढ़ाई बैठाएं और इसमें आप डाल लें इस नारियल को। साथ ही में क्योंकि आज हम लोग गुड़ की नारियल लड्डू बना रहे हैं तो इसके लिए हम लोगों को गुड़ की आवश्यकता है। आप साथ ही में डाल लें गुड़। नारियल आपने जितना लिया हुआ है गुड़ उससे थोड़ा सा कम चाहिए आपको। अब इन दोनों को अच्छा सा मेल्ट करके हम लोग पकाएंगे और पकाते समय ध्यान रखेंगे कि नारियल बहुत अच्छे से इसमें पक जाए। देखिए गुड़ जो है वो जैसे ही गर्म होगा तो ये मेल्ट होते जाएगी। आप बस इसको मिला दे ऐसे तो ये धीरे धीरे इसमें पिघलती जाएगी। आप रह के चलाते रहें। जो फ्लेम है इस समय आप मीडियम पे रखें। इस तरह से कंटिन्यूअस चलाते रहें ताकि गुड़ बहुत अच्छे से मेल्ट होके पूरे नारियल में एक साथ हो जाए। देखिए जैसे चलाते रहेंगे गुड़ इस तरह से मेल्ट होके पूरे नारियल में अच्छे से लगती जाएगी। आपको लगातार चलाते हुए इसको पकाना है। इसको चलाते रहें और सारे नारियल के साथ अच्छे से इस गुड़ को मिलाते रहें और पूरा नारियल को हम लोग को पकाना है। देखिए करीब 3 मिनट हो गए हैं मेरे को इसको नारियल और जो गुड़ है उसको एक साथ पकाते हुए। देखिए मैं करीब से दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से आपको इसको पकाते जाना है बस। और 1 मिनट मैं इसको और चलाऊंगी और उसके बाद फिर जैसे हम लोग थोड़ा सा निकाल के देख लेंगे कि इसका लड्डू पक रहा है कि नहीं तो समझ में आ जाएगा इसका पाक जो है वो बिल्कुल बन के तैयार है। तो हम लोग इसको उतार लेंगे। ये थोड़ा सा और पकेगा इसलिए मैं तो और 1 मिनट तरह से थाली पे थोड़ा सा निकाल लें और उसके बाद उसको थोड़ा सा लड्डू बना के देखें कि वो शेप ले रहा है कि नहीं। अगर शेप ले रहा है तो आपका जो पाक है वो बिल्कुल बन के तैयार है। तो आप उसको उतार के नारियल के लड्डू बना सकते हैं। और अगर नहीं बन रहा है तो आपको थोड़ा सा और इसको पाक करने की ज़रूरत होगी। ये देखिए ये पकड़ रहा है मतलब ये डन है। अब इसको हम लोग उतार लेंगे और उतार के हम लोग नारियल के लड्डू पका लेंगे। इस तरह से हम लोग एक थाली के ऊपर हम लोग इसको निकाल लेंगे। पूरा आप निकाल लें और इसके बाद ये सबको इकट्ठा कर लें, एक जगह पे इकट्ठा कर लें और एक कटोरी से इसको दबा दें ताकि ये ठंडा ना हो जाए। जितना एक कटोरी के अंदर आ रहा है उतना आप दबा के रख लें। छोटी या बड़ी कटोरी कोई सा भी आप रख सकते हैं। अब बाकी जो बचा हुआ है ये जो कटोरी के अंदर है ये जल्दी से ठंडा नहीं होगा क्योंकि ये दबा हुआ है। बाकी जो किनारे में जमा हुआ है इसका हम लोग पहले लड्डू बनाएंगे इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए। देखिए थोड़ा थोड़ा सा करके उठाएंगे और लड्डू को पका लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके निकालें और हाथ से पहले दबा लें, उसके बाद दोनों हाथ के बीच में रखें और इस तरह से लड्डू पकाएं। और देखिए ये बन के तैयार है। इसी तरह से हम लोग सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। आप इतना याद रखिए जब भी आप नारियल के लड्डू बना रहे हो तो गैस का जो फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा हाई पे मत रखिएगा। इससे जो नारियल के लड्डू है वो काले पड़ जाते हैं क्योंकि गुड़ जो है वो जल जाती है जिसके वजह से नारियल के लड्डू जो है आपका लाल ना बन के ब्लैक ब्लैकिश बन जाएगी। तो आप वो ना करें, फ्लेम को मीडियम पे ही रखें और इस तरह से सारे लड्डू बना के तैयार करें। बन के तैयार है गुड़ के बने हुए नारियल के लड्डू।
गुड़ेर नारकेलेर नाड़ू। आप भी घर पे बनाएं और त्यौहार का मज़ा लें। जो लक्ष्मी पूजा होती है उस पे जब दशमी का अवसर होता है उस पे बंगाली घरों में ये तो बनता ही है। आप भी सबको ही मैं चाहती हूँ, पूरे भारतवर्ष के लोग भी इस हमारे जो ट्रेडिशनल रेसिपी है इसको बनाएं और ज़रूर इसका लुत्फ़ उठाएं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी नए विजिटर हैं वो हमारे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।